11 में श्रद्धांजलि देते हुए इसकी टीम के कुछ प्लेयर्स और फुटबॉल स्टैंड को बीच पर रख दे, वॉलंटियर्स फुटबॉल स्टैंड को बीच पर रख दे। फुटबॉल स्टैंड को ले आइए, फुटबॉल स्टैंड को बीच में ले जाए। मैं सम्मानित अतिथियों से आग्रह करूंगा, मैं सम्मानित अतिथियों से आग्रह करूंगा कि बैसारों पश्चिम पंचायत की मुखिया श्रीमती भारती सिंह जी और जम्मू दक्षिण पंचायत के पंचायत समिति श्रीमती श्री सुबोध सिंह पवार जी, हरि समाज के वरिष्ठ श्री बच्चन हरि जी, हमारे रांची से चलकर आए एक्स डीएसपी श्री शशि भूषण सर जी और रामगढ़ जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के नीरज विश्वकर्मा, संजय और हंस का सर और वही सिक्योरिटी की टोली का अगुवाई कर रहे हैं मिस्टर जसविंदर सिंह नेशनल रेफरी, धन्यवाद। अब मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पर ही खड़े रहें, हम एक मिनट का मौन मान सर गोल होगा बनिया देखना। रोहित सिंह जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं सर, ये हरि जी का और मैच की शुरुआत हो चुकी है। ये खिताबी मुकाबला लालू हरि मेमोरियल कुरपनिया बनाम हुजूर 11 कुरपनिया। नंदोर टीकू जी आप अपने टीम सदस्य से संपर्क कर ले। नंदोर टीकू जी जो भंगड़ा बजा रहे हैं, नंदू और टीकू जी आप अपनी टीम से संपर्क कर ले। और एक विशेष सूचना है खेल रहे सभी खिलाड़ियों के लिए कि पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी को भीमा सिंह जरंगी के खेल प्रेमी के द्वारा 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी को मैच के दौरान, पेनाल्टी पर नहीं मैच के दौरान, पहला गोल दागने वाले खिलाड़ी को 2100 रुपए का इनाम भीमा सिंह जारंगड़ी के खेल प्रेमी के द्वारा दिया जाएगा। एक कमेटी आपको धन्यवाद करती है भीमा सिंह जी। और आप कितना सकते हो कैमरा लगा हुआ भैया, अरे तुम भी आगे जाओ, मैं कमेटी लगाओ घुस जा अंदर सस्ता हमारे किस तो कभी बहुत ही शानदार प्रयास।
घोषणाएं हो रही है यहाँ मंच से, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, और खतरा हो सकता है, और खेल प्रेमी लगातार प्रोत्साहन खिलाड़ियों को देते हुए महराज भाई मंच पर उपस्थित। सुनहरा मौका हो सकता है या, लेकिन गेंद को क्लियर किया। दर्शकगण थोड़ा पीछे हटकर बैठेंगे क्योंकि जबरदस्त मुकाबला चल रहा है इस वक्त। खिलाड़ी दौड़ते हुए अगर आपके पास आएंगे तो चोटिल हो सकती है। स्टेट हेड कम रेसिडेंस एडिटर कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे, मिस्टर अजय कुमार सिंह जी, उनके रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं, जी और आशीष साथ में रहा, प्रसिद्धि प्राप्त किया है। टीम मैनेजर या सेलेक्टर ध्यान देंगे, खिलाड़ी की सूची मंच तक नहीं पहुंची है, खिलाड़ी की सूची मंच पर नहीं पहुंची है, दोनों टीम की भेज दीजिएगा। का पुरस्कार घोषित किए हैं, पहला गोल करने वाले इस खिलाड़ी को यह पुरस्कार जाएगा। लगातार प्रयास गोल करके ये इनाम अपनी झोली में डाला जाए। बाईसवां दर्दू हरी मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन मैच चलता हुआ इस वक्त फाइनल मुकाबला। और लगातार बराबर की स्थिति बनी हुई अब तक, दोनों ही आसमान में दिखे, मगर संघर्ष करने में कहीं भी कोई कसर नहीं दिख रही, दोनों ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन कर रही है इस छोटे से अम्बेडकर स्टेडियम बाड़ीग्राम। झमड़ा करने तो नहीं हट गया, कौन भैया? हेलो, लड़की मेमोरियल
लंबी केक और डिफेंडर घर और लगभग 30,000 की संख्या पर जुटे हुए हैं यहाँ दर्शकगण इस अनंत मुकाबले का आनंद लेते हुए। वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं है अपने घर के कामकाज को निपटाकर इस अम्बेडकर स्टेडियम बारी के सामने इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। সাদার মুন্ডা যে কথা কোন কি দেখা কথাই বিড়ি হয়েছে না रोमांचकारी मुकाबला इस वक्त चलता हुआ पर अफ्रीका विशेष आक्रमण अभी भी खतरा वहीं पर बन रहा था। और निर्मल हंसदास जब उसकी टीम को मिलेगी दुगना हो जाएगा, खुशी दुगनी हो जाएगी। हाँ तो नहीं उसमें कंपनियां थी लेकिन क्लब अलग 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 लेकिन प्रतीक जो अपना प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी अभी जरेडी पूर्वी पंचायत के मुखिया पति श्री पप्पू भगत जी का शुभ आगमन हुआ है। मैं कमेटी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कृपया अपने बिजुल शेड्यूल से समय निकाल कर देखने के लिए पहुंचे थे श्रीमान पप्पू भगत जी। आयोजन समिति आपका अभिनंदन करती है। बोल 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 मार दे रे भाई वो बोल
अरे और यहाँ पर खतरा हो सकता था मगर गोलकीपर की सूझबूझ से इस खतरे को टाला गया। और एक और पुरस्कार की घोषणा इस मंच से, इस प्रकार पहला गोल करने वाले खिलाड़ी को भीमा सिंह जी जरंगी की तरफ से 2100 रुपए का प्रसिद्ध ग्राम अध्यक्ष तेतुल मंडी सिजवा उनके तरफ से NDTV पुरस्कार की खड़ी सी लगी हुई है। यहाँ हर कोई खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन करने के लिए पुरस्कार की घोषणा कर रहा है। वही आपका मैच शुरू हो गया। दर्शकों को बता दूं कि बराबरी का मुकाबला है ये, अभी तक कोई भी टीम स्कोर नहीं कर सकी है। भैया थोड़ा सा पीछे हटिएगा, भैया थोड़ा सा खाली थोड़ा सा भैया, ओ जिम्मी थोड़ा सा बाबू खाली एक और पुरस्कार की घोषणा है। यहाँ प्रथम गोल करने वाले खिलाड़ी के लिए स्वर्गीय बहादुर हरी की याद में उनके पोता जो प्रथम गोल करेगा। अब निश्चित तौर पर स्थिति जो है, अगर जो भी खिलाड़ी प्रथम गोल करते हैं तो वो टीम लीड करेगी। मैं मंच पर स्वागत की जो प्रक्रिया होती है उसे भी जारी रखूंगा। श्रीमती मालती सिंह जी का स्वागत करें, कमेटी की ओर से ये स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। और वहीं उपस्थित बेरमो दक्षिणी पंचायत की पंचायत समिति श्रीमती रोमा देवी जी भी उपस्थित है, बैच लगाकर सम्मान अतिथियों का। मैं निवेदन करूंगा अरे प्रदीप जी मंच के सामने आए, प्रदीप जी मंच के सामने आए। मैं रमेश जी से आग्रह करूंगा, श्री श्यामल सरकार जी को आप बैच लगाकर प्रदीप जी आपसे भी आग्रह होगा कि उपस्थित रहें और इस स्वागत की प्रक्रिया में अपना सहयोग दें। ABN न्यूज के स्टेट हेड श्री अजय सिंह जी का सम्मान इस कमेटी के द्वारा। मैं आग्रह करूंगा किया जा रहा है कमेटी की ओर से, मैं प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि हमारे अभिभावक श्री बच्चन हरी जी मुरहेडी के, उनका भी सम्मान, प्रदेश सचिव श्री रंजीना राम जी, प्रदीप जी बैच लग
मैं प्रदीप जी से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के सलाहकार आदि जाति विकास मंच जेएसपी सर का बैच लगाकर सम्मान करें। श्री सुधीर रामदीन हजारीबाग से चलकर आए। मैं चलकर सुधीर रामदीन हजारीबाग से चलकर आए। यात्रा हो सकता है। मैं पूरी तरह से सम्मानित करें डिफेंडर ने। प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुधीर हरि जी बोकारो से चलकर आए हैं। मैं वॉलंटियर से आग्रह करूंगा कि बैच लगाकर उनका स्वागत करें। रांची से चलकर आए प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संजय राम जी का बैच लगाकर स्वागत करें। राजेंद्र जी जहां कहीं भी मंच पर आ जाए राजेंद्र जी। अरे वाह 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 वाह। मैच की जो स्थिति है बराबरी की जा रहे गोकुल जी का भी स्वागत बैच के द्वारा। चार दिवस मैं आग्रह करूंगा मंच पर चले आए और हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बैच लगाकर स्वागत। मैं मंडली से आग्रह करूंगा जो प्लेयर का नाम हमें बता दें जिन्होंने अभी अभी गोल किया है कुछ नहीं लगे। जो
मैं मंच पर आसीन हमारे सामने मोहल्ले का है, दो टीम हमेशा भरता था ना, वही दोनों है हमारे अभिभावक श्री सुबोध सिंह पवार जी, आप अपने शब्दों से हमें खिलाड़ियों और जनमानस को संबोधित करें, श्री सुबोध सिंह पवार जी। मैं बहुत खुश हूँ इतने उत्साह, इतने दर्शक, इतने फुटबॉल खेल प्रेमियों को, और मैं इस आयोजन समिति को हर संभव मदद करूँगा। बहुत अच्छा आयोजन है और मैं पुनः सारे आयोजन आप इस फुटबॉल के मैच को बरकरार रखिएगा, कुछ देर में जाने का आयोजन होगा, खेल को तेज है।